हाय स्टूडेंट, जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे पावर पॉइंट में स्लाइड शो टैब के बारे में। किसके बारे में? स्लाइड शो। क्योंकि पिछले क्लास हमने आपको बताया था एनिमेशन टैब के बारे में, कि जो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम एनिमेशन लगाना चाहते हैं वैसे हम अलग अलग तरीके करके एनिमेशन लगा सकते। और आज की क्लास में जानेंगे स्लाइड शो के बारे में, कि स्लाइड शो है क्या और इसका हम कैसे यूज करते हैं। देखिए, स्लाइड शो में आने के बाद से ना सबसे पहले आपको दिखाई देगा फ्रॉम बिगनिंग और फ्रॉम करंट। इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा स्लाइड बना लेते। जैसे हम कंट्रोल एम किए, कंट्रोल एम करने से कुछ स्लाइड बना लेते। अब दिख रहा है ना, चले गए कहाँ पे, ब्राउजर पे चले जाते हैं। इसका मेन हेडिंग हम टाइटल दे दिए क्या, व्हाट इज कंप्यूटर, क्या दिया हमने, व्हाट इज। और ब्राउजर पे जाकर हमने यही सर्च कर लिया कि व्हाट इज कंप्यूटर, इसका डिफिनेशन मिल जाएगा ना। इसका डिफिनेशन हम यहां से क्या कर ली, कॉपी। और कॉपी करने के बाद से हम यहां पे लाके क्या कर लिए, पेस्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ हम कंप्यूटर का इमेज भी लगाना चाहते हैं, उसके लिए आप लोग पता ही होगा। देखिए, पहले कंप्यूटर का इमेज सेव है कि नहीं है, और जो सेव है तो फिर ले लीजिए, और नहीं सेव है फिर क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। हम यहाँ से क्या किए, इमेज को सेलेक्ट किए और यहाँ से कर लिए कंप्यूटर की इमेज के साइज के, यहाँ से क्या कर लेंगे, सपोज के लिए पहला आपका कंटेंट बन करके तैयार हो जाएगा ना। फिर दूसरा हमने यहाँ पे कर लिया कंट्रोल एम, और इसमें लिख दिया व्हाट इज इनपुट, व्हाट इज इन। और इसको भी हमने ब्राउजर से कुछ इसका कंटेंट सर्च करके और यहाँ पे टाइप, क्योंकि हमको लिख लेना होगा, अभी हमको लिखने में टाइम लगेगा, इसलिए हम यहाँ से क्या करें, ब्राउजर से कॉपी करें। क्लियर सबको ना, क्योंकि आप लोग इन कंप्यूटर क्या है, इनपुट क्या है, ये सारा आप लोग पढ़े हैं ना। इसको हम यहाँ पे क्या कर लिए, टाइप कर, हो जाएगा। प्लस कुछ इनपुट डिवाइस का इमेजेस भी ले लेते हैं, इनकी ब्राउजर पे जाएंगे, सर्च कर लेंगे इनपुट डिवाइस, इमेज में आ गए, यहीं से ले लेंगे इमेज। इस पर राइट क्लिक किए और क्या कर लेंगे, सेव इमेजेस, यही सही रहेगा। राइट क्लिक, सेव इमेज, और लोकेशन देते हैं कहाँ पे, वही डेस्कटॉप, इसको कर लिए डाउनलोड फोर नाम से सेव। और यहाँ चले जाएं कहाँ पे, पिक्चर किस नाम से है, डाउनलोड फोर, यही है ना। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, आप चाहते हैं हम यहाँ साइड में लगा सकें, पहले इस टेक्स्ट वाले को यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे छोटा कर, और फिर इस इमेज को ऐसे क्या कर लेंगे, आप ऐसे बड़ा कर, हो जाएगा ना। ये कितना कंटेंट बन गया, साथ साथ में एक और हमारा, यानी कि हम बना रहे थे एक और प्रोसेस का और एक आउटपुट का, बस दो चीज और बना। अगला हमने लिख लिया क्या, व्हाट इज प्रोसेस, और इसी को हमने सर्च कर लिया ब्राउजर। टाइप कर लेंगे इन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कंप्यूटर के बारे में ही बताएगा, इन ऑपरेटिंग सिस्टम, आल में आ जाएंगे, और इसी को हम यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉपी, और अपने पेज पर लाके क्या कर लेंगे, इसका इमेज भी सही होगा ना, इसका इमेज हम यहीं से ले लेते। राइट क्लिक, सेव इमेजेस, डेस्कटॉप, सेव कर, यहाँ क्या कर लेंगे, इंसॉर्ट करा लेंगे। तो लगभग ये यहां तक तो सभी लोग बना ले जाएंगे ना। कहाँ गए, अच्छा यहाँ, नहीं होगा तो इसको हम कर लेते हैं यहां से इधर साइड में, ताकि ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा ना। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे पड़ा,
हो जाएगा। कितना बन गया हमारे पास स्लाइड टोटल, इसको लेके 5 हो रहा है ना, 4। एक और हम बना लेते हैं, कौन सा आउटपुट का ना, वाट इज आउट, इसको ब्राउजर पे क्या कर ली, सर्च। हाल में आ जाएंगे और इसके कंटेंट को हम यहां से भी क्या कर लें, हाँ वही इसमें भी कर लेंगे है ना, यहाँ पे कर लेंगे प्लस। इमेज भी सही होगा, इमेज के लिए कहाँ चले जाएंगे, हाँ यही इमेज में ही, और जहां पे आउटपुट इमेज दिया हम आप क्या करेंगे, राइट क्लिक सेव इमेजेस और डाउनलोड वन नाम से क्या कर लिए इसे, और यहाँ पे लाख इंसर्ट कर लें, किस नाम से ये गया है, ये तो इनपुट वाला है ना, वन वन इस जी ब्रेक दे रहा हाँ यार आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ ले रहे हैं। ये हमारे देखा हो जाएगा ना जी, इतना हो जाएगा। तो अभी तक हमने ये स्लाइड इतना क्यों बनाया कि व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज इनपुट, व्हाट इज प्रोसेस और व्हाट इज आउट, ये करने का मतलब क्या है। जैसे सपोज करिए कि इनपुट डिवाइस के आपके कई सारे स्लाइड हो सकते हैं, आउटपुट डिवाइस के कई सारे स्लाइड हो सकते हैं, आ रहा समझो ना। अब इनपुट डिवाइस के स्लाइड क्या होंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे किसके बारे में, माउस के बारे में, कीबोर्ड के बारे में, ये अलग अलग आपके स्लाइड क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, आ रहा समझे ना। तो फिलहाल अब हम इतना ही से ये समझते हैं कि जब हम स्लाइड्स में आ रहे हैं तो ये हमारा फ्रॉम बिगिनिंग क्या और फ्रॉम करंट क्या। तो आप लोग F5 बटन और सिर्फ F5 बटन दबाते हैं ना, तो जब भी हम F5 बटन दबाएंगे ये बिगिनिंग यानी पहले से स्टार्ट करेगा, फिर भी दिखा दिख रहा है ना। और यदि यही हम क्या करें, अगर जो हम यहाँ पे हैं और यहाँ पे शिफ्ट के साथ F5 बटन दबाएं तो करंट से स्टार्ट करें, आ रहा है समझे ना। तो अब अंतर देखिए, यानी कि वही करा फ्रॉम बिगनिंग, यदि आप यहाँ पे क्लिक कर देखिए पहले से स्टार्ट करें फ्रॉम बिगनिंग का मतलब, और यदि आपने कर दिया यहाँ पे आने के बाद से फ्रॉम करंट, ये कहाँ से स्टार्ट करेगा, जिस पेज पे यानी कि जिस स्लाइड पे रहेंगे उसी स्लाइड से स्टार्ट करें। यहाँ पे रहने के बाद हमने क्या कर दिया फ्रॉम करंट स्लाइड, तो कहाँ से स्टार्ट किया है, जहां पे हम थे वही करंट से स्टार्ट कर दिया उसके पीछे लेकर के नहीं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और हम चाहते हैं कि जो भी हम प्रीव्यू दिखाएं ना, वो प्रीव्यू में का क्या हो कि हम स्लाइड शो कराते हुए चले जाएं। अभी ऑनलाइन तो कराना नहीं है हमको, कस्टम बनाना है। कस्टम क्या बनाना है कि अगर जो जितना भी हम स्लाइड बनाए हैं तो हमको दिखाना हो कौन सा, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर बस दिखाना हमको, प्रोसेस और आउटपुट, ये बीच का नहीं दिखाना। अरे बहुत सारे स्लाइड हो सकते हैं, जैसे हम इसी में क्या करते हैं, कुछ और स्लाइड जो बना होगा ना, हम आ गए रिव्यू टैब में, रिव्यू में एक आपको ऑप्शन मिलेगा कंपेयर का, किसका कंपेयर, यानी कि इससे हम क्या कंपेयर कर लेते हैं, जो पहले स्लाइड बनाए होंगे ना, कौन स्लाइड दिख रहा है पहला, अब कौन सा दिख रहा है इसके बाद से, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर के बाद से व्हाट इज, क्या इनपुट दिखाई दिया है, जो हमने एक चक्र वाला बनाया है गॉड इमेज को लेकर के, क्या वो दिखाई दे रहा है, कर जाएंगे सभी लोग ना। तो कस्टम शो का मतलब ये क्लियर हो रहा है ना कि आपको सारा स्लाइड नहीं दिखाना है, गिने चुने हुए कुछ स्लाइड आपको प्रीव्यू के समय दिखाना है, आप उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, कस्टम स्लाइड्स। और ये आपने बना लिया है उसको रिमूव करना है, जाइए कस्टम शो में, कस्टम शो यहाँ शो में आ जाइए और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लीजिए, रिमूव कर, हो गया रिमूव ना, कर ले जाएंगे सभी लोग। और जो नई और एक समझाने के लिए हम कुछ और स्लाइड बना ले रहे हैं, क्या हमने व्हाट इज इनपुट दिया है ना, इसी के बीच में हम नया स्लाइड इंसर्ट करा लिए और पहला हमने दे दिया यहाँ पे माउस, क्या दे दिए, और कंटेंट ले लेते हैं किसके बारे में, माउस के बारे में,
इस पे आंसर क्या कर लेंगे, कॉपी चलो और अपने स्लाइड बिला क्या कर लेंगे आप, किसका हो गया ये, माउस का। माउस के नीचे एक और बना लेते हैं किसका, कीबोर्ड। ये किसका हो जाएगा, कीबोर्ड। और यहाँ पे फिर से हम सर्च कर लेंगे क्या, माउस के बजाय कीबोर्ड। और इसके कंटेंट में यहाँ से क्या कर लेंगे, कॉपी, और यहाँ पे लाके क्या कर लेंगे। अब इनपुट डिवाइस के अंदर देखिए कितना स्लाइड आ गया, तीन आ गया है ना। पहला क्या, एक हमारा वाट इज इनपुट, और दूसरा हमारा आ गया माउस, और तीसरा हमारा क्या आ गया, कीबोर्ड। हम ये चाहते हैं कि जब हम जब कसो दिखाएं ना प्रीव्यू के समय ना, हमारे पास यही तीन स्लाइड प्रीव्यू के समय दिखना चाहिए। कौन कौन सा, तो उसके लिए हम चले गए कहाँ पे, कस्टम शो। फिर कस्टम स्लाइड शो के बाद से कस्टम शो में आ जाएंगे, कहाँ पे आ जाएंगे, कस्टम शो। और आने के बाद कहाँ जाएंगे, न्यू। न्यू के में जाने के बाद हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे क्या है, इनपुट, इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस में क्या क्या है, तो वाट इज इनपुट है, माउस है, और कीबोर्ड। तीनों को सेलेक्ट करके यहां से क्या कर लेंगे, ऐड कर। और फिर यहां से क्या कर लेंगे, इनपुट डिवाइस नाम से बन गया है ना। सेम इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट डिवाइस का बना सकते हैं, प्रोसेस डिवाइस का बना सकते हैं, बन जाएगा ना। तो जहां भी हम प्रेजेंटेशन देने जाएंगे, वहां पे हमको लग रहा है कि नहीं, पहले हमको इनपुट डिवाइस का सिर्फ देना चाहिए, हम कहाँ चले जाएंगे, यही आ जाएंगे स्लाइड शो। और कस्टम स्लाइड शो में आपने बनाया किस नाम से, इनपुट डिवाइस नाम, क्लिक कर दीजिए। तो पहला कौन सा शो कर रहा है, व्हाट इज, फिर नेक्स्ट करिए, अब बता रहा है क्या, और अगला हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब ऐसे जितना भी आप ऐड करना चाहते हैं इसके अंडर में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते, कोई दिक्कत इसमें, करे जाएंगे सभी लोग। पहला किसका बना लिए, मॉनिटर, और ये ब्राउजर पे जा क्या कर ली, सर्च कर। और कंटेंट को नीचे से क्या कर लेंगे, कॉपी, और यहां पे लाके क्या कर लेंगे, मॉनिटर का हो गया है ना, एक और रख लें किसका, प्रिंटर। अगला क्या रख लिए, प्रिंटर, यहां पे दे किसका, प्रिंटर। और यहां से इसके कंटेंट को क्या कर लेंगे, कर लेंगे कॉपी। और कॉपी करने के बाद से स्लाइड पे लाके क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। अब हमको प्रीव्यू में दिखाना किसका है, सिर्फ आउटपुट डिवाइस का ही कंटेंट दिखाना है, बाकी किसी का कंटेंट नहीं दिखा। चलो भाई, हम लोग सेलेक्ट कर लिए होंगे, इसको हटा देते हैं, अब सही है ना, अब कोई दिक्कत हो जाएगा, सही ऐसे ही हो जाएगा, मत घबरा। चलो हम कहाँ पे आ जाएंगे, पहले कस्टम शो, फिर एक और ऐड करेंगे, इस पे नहीं क्लिक करना, इस पे क्लिक करें तो प्रीव्यू होने लगा इनपुट वाला। तो हम कहाँ पे आएंगे, कस्टम शो वाले में न्यू पे जाएंगे, एक और इसका नाम दे देंगे क्या, आउटपुट डिवाइस, क्या दे देंगे, आउटपुट डिवाइस। कौन कौन सा है, तो नीचे आ जाइए, आपका वाट इज आउटपुट है, मॉनिटर है, और क्या है, और यहां से क्या कर लेंगे, ऐड। ऐड करने पास से यहां से क्या कर लेंगे, अब आपको देखना किसका है, इनपुट का देखना है कि आउटपुट का देखना, आउटपुट का देखना है, तो आउटपुट वाले पे क्लिक करिए, किसका दिखाई दे रहा है, आउटपुट, क्लिक करिए, मॉनिटर आ जाएगा, फिर क्लिक करिए अगला आ जाएगा, हो जाएगा ना। और इनपुट का देखना है, फिर आप आ जाइए कस्टम शो में और सेलेक्ट कर लीजिए इनपुट, अब किसका दिखाएगा, इनपुट, कोई दिक्कत इसमें, कर जाएंगे सभी लोग ना। तो ये यहां तक सबको क्लियर है ना, कि फ्रॉम बिगनिंग क्या है, करंट क्या है, और कस्टम शो क्या है। और अगला आपको दिखाई देगा सेटअप स्लाइड्स, क्या दिखाई देगा, सेटअप स्लाइड्स। इसमें देखिए ऊपर वाला और फिर नीचे वाला आपको फुल स्क्रीन में दिखाने के लिए देगा,
किसके लिए देगा? फुल स्क्रीन में दिखाने के लिए। जैसे अभी और हम प्रीव्यू करा रहे हैं ना, जो भी आपको प्रीव्यू दिख रहा है वो पूरा फुल स्क्रीन दिख रहा है ना? कहीं आपको टास्क बार दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना? ऊपर कहीं आपको टाइटल बार दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना? लेकिन वही हम गए सेटअप स्लाइड शो में, सेटअप स्लाइड शो में गए और फुल स्क्रीन को हटाकर हम क्या कर लिए, इंडिविजुअल विंडो कर दिए और यहां से क्या कर लिए, अब प्रीव्यू कराइए तो आपको क्या क्या दिख रहा है इसमें, टास्क और टाइटल बार दोनों दिख सकते, क्लियर सबको ना? यानी कि ऐसे आप क्या कर सकते हैं कि अगर जो आप जब स्लाइड सेटअप स्लाइड शो में जाएंगे और जो नीचे वाला फुल स्क्रीन करेंगे तो भी आपको पूरा फुल स्क्रीन में ही दिखाई देगा, दिख रहा है ना? और यदि आप ऊपर वाला करेंगे तो भी आपको क्या होगा, फुल स्क्रीन में ही दिखाई दे, हो जाएगा ना? लेकिन जब सेकेंड वाला करेंगे तब क्या होगा, आपका टाइटल बार और टास्क बार दोनों दिखाई देने, हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? और जब आगे जाएंगे, आगे आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा, किसका, लूप कंटिन्यूअसली अनटिल, इसका मतलब क्या है? तो जैसे अभी हम इसको ऑन नहीं किए हैं और प्रीव्यू करा रहे हैं, पहला स्लाइड आ गया ना, उसके पास क्या आ गया, दूसरा, दूसरे के बाद से तीसरा, तीसरे के बाद क्या हो रहा है, एंड हो जा रहा है ना? ऊपर देखिए आपको लिख के आएगा एंड ऑफ स्लाइड शो क्लिक टू एक्सिट, सबसे ऊपर कॉर्नर पे दिखेगा, सबसे टॉप पे, आ रहा समझे ना? यानी कि आप क्या दिखेगा, एंड ऑफ स्लाइड, यानी कि अब आपका स्लाइड क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, हम चाहते हैं हमारा ऑप्शन ही ना आए एक्सिट का, उसके लिए क्या करेंगे, सेटअप स्लाइड शो में जाएंगे, इसको करेंगे ऑन, करेंगे ओके, अब देखिए क्या होगा, पहला स्लाइड है ना, दूसरा, दूसरे के बाद से तीसरा, तीसरे बाद फिर कौन सा आ गया, पहला, फिर क्या हो गया, कंटिन्यू हो गया, यानी पहले बस तीसरे तक गया, लेकिन तीसरे से फिर कौन सा आ गया, पहला आ गया, कब, कि जब हमने कंटिन्यूअसली ऑन कर दिया, हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? इतना कर ले जाएंगे लोग, तो कंटिन्यूअसली का मतलब क्या, ये समझा रहा है ना? उसके नीचे आपको नैरेशन दिखाई देगा, तो नैरेशन का मतलब क्या होता है, कि जब हम कोई भी एनिमेशन लगाए हैं और एनिमेशन में हमने जोड़ दिया नैरेशन, नैरेशन जब नीचे आएंगे ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्लियर कर देंगे इसको, आगे हम लोग पढ़ेंगे नोट कुछ कर, नोट दे रहा है ना, जब नोट में आएंगे तो इसका काम ये होता है कि यदि आप उस नैरेशन को दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए, और नहीं दिखाना चाहते तो क्या कर लीजिए ऑफ, उसके नीचे आपको दिखाई देगा शो विदाउट एनिमेशन, विदाउट एनिमेशन का मतलब क्या होगा, तो ये समझ लीजिए कि जैसे आपने व्हाट इज इनपुट पे कोई एनिमेशन लगा दिया, एनिमेशन में आ जाइए, कुछ एनिमेशन लगा दिया, प्रीव्यू दिख रहा है सबको ना, व्हाट इज इनपुट कहाँ से आ रहा है, नीचे, हम ऑन क्लिक हटा के विद प्रीवियस कर दिए और इसकी टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिए ताकि स्लो आए, हो गया ना? प्लस हम कंप्यूटर के इमेज में लगा दिए कि ऐसे कुछ होगा, और इसको हमने क्या कर दिया, विद प्रीवियस और टाइमिंग हमने इसका भी कुछ बढ़ा दिया, दिख रहा है सबको ना? अब यदि हम प्रीव्यू करा रहे हैं, देखिए प्रॉम्प्ट करें, एनिमेशन काम कर रहा है ना, एनिमेशन लगा है, काम कर रहा है ना, हम चाहते हैं कि जब भी शो कराएं एनिमेशन लगा हो लेकिन एनिमेशन काम ना करे, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, आ जाएंगे सेटअप स्लाइड शो में, और आने के बाद हम कहाँ जाएंगे, सेटअप स्लाइड शो और शो विदाउट एनिमेशन को क्या कर लेंगे, ऑन कर लेंगे, और यहां से क्या कर लेंगे, ओके करने के बाद से क्या होगा कि अब यदि आप प्रीव्यू करेंगे यहां से करंट वाले से, आपको कोई एनिमेशन का प्रीव्यू दिखाई नहीं दे, एनिमेशन लगा हुआ है लेकिन काम नहीं करेगा, और जैसे आप उसको ऑफ करेंगे तो आपका एनिमेशन क्या होगा, काम करने लग जाएगा, अब देखिएगा, हमने सिर्फ उसी को ऑफ किया है ना, बाकी कुछ नहीं किया है ना, एनिमेशन हमारा काम कर रहा है, और अभी हम क्या कर दिए, सिर्फ उसी को ऑन कर दी और यहां से प्रीव्यू कर ली, तो अब आपको एनिमेशन दिख रहा है, क्लियर सबको ना, हो जाएगा?
अब जैसे हम इसको ऑफ कर देंगे तो हमारा एनिमेशन दिखना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जाएगा। हाँ हो जाएगा ना जी, कोई दिक्कत इसमें? हाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक्स का, दिख रहा है सबको ना? तो ये बहुत कम ऑप्शन में यूज होता है। कब यूज होगा? कि जब हम कहीं काम कर रहे हैं ना, काम करते दौरान हमने कहीं एनिमेशन लगाया, और एनिमेशन के दौरान वो क्या हो रहा है कि हमारा एनिमेशन का क्या बन रहा है, तुरंत उसका मिरर बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? मिरर। जैसे अभी हम ओके कर दिए, प्रीव्यू करा रहे हैं, देखिए कोई एनिमेशन का प्रीव्यू नहीं बन रहा है, उसका मिरर नहीं बन रहा है ना, कहीं ऐसा है कि देखना उसको उल्टा हो जा रहा है, नहीं हो रहा है ना? जिस कंप्यूटर में यदि ऐसा होगा हम उसको क्या कर लेंगे यहां से, ऑन कर, क्या कर लेंगे यहां से? अभी फिलहाल देखिए ऑफ करके हम ओके करते, अभी कोई प्रीव्यू दिखाई नहीं देगा हमारे कंप्यूटर, कोई प्रीव्यू दिखाई दे रहा है? लेकिन ऐसे जिसमें ये हुआ कि आपने इनपुट इनपुट में एनिमेशन लगाया ना, तो वाटिज क्लियर उसे देखा, इनपुट आपका जस्ट वहीं पे तिरछा नीचे की तरफ आ, आपने जो इमेज लगाया था आधा इमेज देखा और आधा इमेज ना दिखने लगा नीचे, उस कंप्यूटर में काम करेगा कि सिर्फ उसका उस हार्डवेयर को क्या कर देगा, वो डिसेबल कर देगा यहाँ, उस हार्डवेयर को क्या कर देगा, डिसेबल, और डिसेबल करके जब ओके करें तो आपका प्रीव्यू बिल्कुल क्लियर उसमें दिखाई देने लगे। क्लियर है सबको ना? और उसके नीचे जब जाएंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, पेन कलर और लेजर पेंटर। ग्रे अब सबसे पहले देख लीजिए पेन कलर क्या है, यहाँ पे किस कलर में है, ग्रे रेड कलर में है ना। अब आप यहां से करिए फ्रॉम करंट स्लाइड, जब नीचे आएंगे ना तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा पेंटर का, दिख रहा है यहाँ नीचे, यहाँ नहीं दिख रहा था, आप इसमें माउस का राइट क्लिक करिए, क्लिक नहीं करना है, क्या करना है, राइट क्लिक, तो आपको ऑप्शन दिखाई दे यहाँ पे पेंटर ऑप्शन, क्या दिखाई दे रहा है, पेंटर ऑप्शन। हम यहाँ से पेन के माध्यम से समझाना चाहते हैं, पेन ले लिए, बता रहे हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज इनपुट डिवाइस के बारे में, तो किस कलर में कलर कर रहा है, रेड कलर में कर रहा है ना, लेकिन हमको कलर कोई दूसरा चाहिए, कलर क्या करना है, दूसरा रखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेटअप स्लाइड्स में जाएंगे, पेन कलर में यहाँ से उसको हटा करके हमने कर दिया कौन सा, ग्रीन। अब कौन सा कलर आ चुका है, और यहाँ से क्या कर लिए, अब हम प्रीव्यू करा लिए, राइट क्लिक, कहाँ चले गए, पेंटर ऑप्शन, और यहाँ से क्या ले लिए, अब किस कलर में आ रहा है, जी ग्रीन कलर। इसका समझ में आ रहा है काम ना, कि अगर जो हम जा रहे हैं कहां पर, इसको कर लीजिए कीप डिस्चार्ज, हम आगे कहां पे, सेटअप स्लाइड्स में, तो पेन कलर का मतलब समझ आ रहा है ना, कि जब आप कहीं प्रेजेंटेशन देंगे तो हो सकता है कि पेन के माध्यम से आपको वहां पे समझाना होगा, वहां पे आप पेन लेंगे उसका कलर चेंज करना है, तो आप कस्टम शो में, ये सेटअप स्लाइड शो में आने के बाद से यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपना कलर चेंज कर सकते। फिर ये लेजर पॉइंटर क्या है, चलिए इसको समझते हैं, कर्सर यहाँ रखे हैं, ऊपर दिख रहा हमारा कर्सर ना, अब देखिएगा, दिखाइएगा कहीं कर्सर, दिखाई दे रहा कहीं कर्सर, हाइड हो गया कर्सर ना, हम चाहते हैं नहीं हमारा कर्सर हाइड ना हो, वो दिखाई देता रहे, क्या हो, दिखाई देता रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से ले लेंगे क्या, लेजर पेंटर ले लेंगे, देखिए अब किस कलर का दिख रहा है, अभी हाइड नहीं होगा, ऐसे पड़ा रहेगा, लेकिन किस कलर का दिख रहा है, रेड कलर। अब यही रेड कलर हमको कुछ और कलर करना है, बस तीन कलर इसमें देता है, देख लीजिए कौन कौन सा, रेड, ग्रीन और ग्रीन कर लिया, ब्लू करके यहां से क्या कर ली, अब हम प्रीव्यू कराए, राइट क्लिक करें, कहाँ चले गए, पॉइंटर ऑप्शन, और यहाँ ले लेजर पेंट, अब किस कलर में दिख रहा है, ब्लू। हो जाएगा यहाँ तक ना, कोई दिक्कत इसमें? तो आज आप लोग इतना फिलहाल ट्राई कर लीजिए, हाँ ये यहाँ से लेकर के यानी कि बिगिनिंग से लेकर के और कस्टम शो में आ, बाकी अगली क्लास में बताएंगे इधर का, इधर में भी कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है, बस वही दिया, देखिए स्लाइड शो दे रहा है आपको, आल कराना है कि फ्रॉम कहाँ से लेकर के कहाँ तक, और आगे कस्टम शो आ जाएगा, इनपुट डिवाइस दिखाना है कि आउटपुट डिवाइस दिखाना है, इनपुट दिखाना है तो इनपुट सेलेक्ट करिए, और आउटपुट दिखाना है तो, और आगे आपको एडवांस स्लाइड देगा, उसके नीचे मल्टीपल मॉनिटर देगा,
कि अगर जो आपके पास दो मॉनिटर लगा हुआ, जैसे एक प्रिंटर, एक हमारा प्रोजेक्टर और हमारे मॉनिटर लगा हुआ है, तो किसी एक में दिखाना चाहता है सिर्फ उसी को सेलेक्ट करके हम ओके करेंगे, बस वही दिखाई देगा, बाकी कोई ऑप्शन दिखाई नहीं, हो जाएगा ना। तो फिलहाल आज आप लोग इतना ट्राई करिए लोग, तो आज के लिए बस इतना ही।